الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم बुज़र्गान महतरम और बरदरा ने अज़ीज़ अल्लाह का फ़त्ल करक्रम है क्या हमारे सामने मुहरम हराम का मुकदस महीना सामने है जो आज़मत वाला बरकत वाला महीना है जो मैंने आपके सामने आयत तिलावत की है उसके अंदर अल्लाह रबुल्ज़्ज़त ने इसको हरमत और बरकत वाला महीना करार दिया है इस महीने के अंदर ख़ास तौर पर महरम की दसवीं तारीख़ जिसको को आम तौर पर आशूरा कहा जाता है जिसके माने हैं दसवा दिन ये दिन अल्लाह की रहमत और बरकत का खसूसी तौर पर हामिल है जब तक रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ नहीं हुए थे उस वक्त तक आशूरा का रोज़ा रखना मुसलमानों पर फ़र्ज़रार दिया गया था बाद में जब रमज़ान मुबारक के रोज़े फ़र्ज हो गए तो उस वक्त आशूरा के रोज़े की फर्जियत मनसूख हो गई लेकिन हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आशूरा के दिन रोज़ा रखने को सुन्नत और मुस्तहब करार दिया एक हदीस में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशात फरमाया कि मुझे अल्लाह शानू की रहमत से यह उम्मीद है कि जो शख्स आशूरा के दिन यानी दस हराम को रोज़ा रखेगा उसके पिछले एक साल के गुनाहों का कफ़ारा हो जाएगा अल्लाह अकबर आशूरा के रोज़े की इतनी बड़ी फजीलत है योम आशूरा एक मुकद्दस दिन है बाज़ लोग ये समझते हैं कि आशूरा के दिन की फजीलत की वजह यह है कि उस दिन में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकदस नवाते, नवासे नवास हजरत हुसैन की शहादत पेश आने की वजह से आशूरा का दिन मुकद्दस और हुरमत वाला बन गया ये बात सही नहीं है खुद हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहद मुबारक में आशूरा का दिन मुकद्दस समझा जाता था और आपने उसके बारे में अहकाम बयान फरमाए थे और कुरान करीम ने भी उसकी हरमत का ऐलान फरमाया था जबकि हजरत हुसैन की शहादत का वाक़ तो हजूर अक्रम सल्हलम की वफ़ात के तकरीबन साठ साल के बाद पेश आया लिहाजा ये बात दुरुस्त नहीं है कि आश्रा की हरमत इस वाक़ की वजह से है बल्कि हजरत हुसैन रदी अल्लाह तुम की शहादत का इस इस रोज़ वाक़ होना ये हजरत हुसैन की मजीद फ़ज़ीलत की दलील है अल्लाह ताला ने उनको शहादत का मर्तबा इस दिन में आता फरमाया जो पहले से ही मुक़दस और महतरम चला आ रहा था बहरहाल ये आशूरा का दिन एक मुक़दस दिन है उस दिन के मुक़दस होने के सिलसिले में बहुत सारे लोगों के जहनों में मुख्तलिफ़ के ग़लत फ़हमियाँ हैं जैसा कि मैंने एक गलत फ़हमी ये बताई कि उस दिन की फजलत हज़रत हुसैन की शहादत की होने के होने की वजह से हुई और इसी तरह से बादलों के जहन में आवाम के जहन में यह है कि हज़रत आदम जो दुनिया में तशीफ लाए तो आशूरा का दिन था नूर अम की कश्ती जब तूफ़ान से बच कर खुशकी पर उतरी तो वो भी आशूरा का दिन था हरतबा सलाम को जब आग में डाला गया तो वह भी आशूरा का दिन था और अल्लाह रब्ज़त ने आग को गले गुलजार बना दिया था और क़्यामत भी आशूरा में कायम होगी ये बातें लोगों में मशहूर हैं लेकिन इनकी कोई असल और बुनियाद नहीं है कोई सही रिवायत ऐसी नहीं है जो बयान करती हो कि वाकयात आशूरा के दिन पेश आए थे हाँ अलबत्त एक रिवायत के जब हज़रत मूसा सलातम का मुकाबला फ़िरौन से हुआ और फिर हज़रत अलैहिस्सलाम दरिया के किनारे पहुँच गए और पीछे से फ़िरौन का लश्कर आया तो अल्लाह ताला ने उस वक्त हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि अपनी लाठी दरिया के पानी पर मारो उसके नतीजे में जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने आसा को दरिया पर मारा पानी पर मारा तो बारह रास्ते बन गए और उन रास्तों के जरिए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और उनका लश्कर सही सालिम दरिया पार हो गया लेकिन जब फिरौन का लश्कर दरिया के बीच में पहुंचा पहुंचा तो पानी में मिल गया इसके सिलसिले में एक रिवायत मौजूद है जो नस्बता बेहतर और मुनासिब रिवायत है लेकिन इसके अलावा जो दूसरे वाक़ात हैं उनके आशुरा के दिन में होने पर कोई असल और दलील मौजूद नहीं है अलबा इतनी बात ज़रूर है कि जब अल्लाह ताली ने उस दिन को अपनी रहमत और बरकत के नज़ूल के लिए मंतख कर लिया तो उसका तकद्दस ये है कि उस दिन को उस काम में इस्तेमाल किया जाए जो काम नबी करीम सल्ला वसम के सुन्नत से साबित है सुन्नत के तौर तो पर उस दिन के लिए सिर्फ़ एक हुक्म है वो ये है कि उस दिन रोज़ा रखा जाए चुनानचे हदीस के अंदर आता है जो मैंने हदीस बयान किया कि अल्लाह के रसूल सल्ला वलम ने ऐसा फरमाया कि उस दिन का रोज़ा गुजशा एक साल के गुनाहों का कफारा हो जाएगा बस ये एक हुक्म सुन्नत है इसकी कोशिश करनी चाहिए कि अल्लाह ताला इसकी हमें और आपकी तोहफी कता फ़रमाएँ उस दिन में गैरों की नक्काली और खास तौर से यहूदियों की नक्काली से हमें बचना चाहिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरे हयात तय्यबा में जब यह आशूरा के दिन आता तो आप रोज़ा रखते लेकिन वफात से पहले जो आशूरा आया तो मुसलमानों को आप सल्लल्लाहु सल्लाम ने खिताब करके फरमाया कि दस महरम को हम मुसलमान भी रोज़ा रखते हैं और यहूदी भी रोज़ा रखते हैं और यहूदियों को रोज़ा रखने की वजह यह थी कि उस दिन में चूँकि बनी इसराइल को अल्लाह ताला तजरत मूसा आलाम के जरिए फ़्रौन से नजाता फरमाई थी उसके शुक्राने के तौर पर यहूदी उस दिन रोज़ा रखते थे बरहाल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशात फरमाया कि हम भी उस दिन रोज़ा रखते हैं और यहूदी भी उस दिन रोज़ा रखते हैं जिसकी वजह से उनके साथ हल्की सी मुशाबहत पैदा हो जाती है इसलिए आइंदा साल अगर मैं जिंदा रहा तो सिर्फ़ आशूरा का रोज़ा रखू नहीं रखूँगा बल्कि उसके साथ एक और रोज़ा मिला लूँगा यानी नौ दस रखूँगा या दस ग्यारह रखूँगा ताकि उनकी मुशाहत न रहे लेकिन अगले साल आशूरा के दिन आने से पहले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विशाल हो गया और आप उस पर अमर करने की आपको नौबत न मिली ले। लेकिन चूँकि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात ईशाद फरमाई थी आपका ये मंशा था इसलिए साहबा रजवानल अलैहिम अजमाइन ने आशूरा के रोज़े में इस बात का एहतमाम किया कि नौ महर्रम या ग्यारह महर्रम का एक रोज़ा मिला कर रखा और उसी को मुस्तहब करार दिया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस इसाद गी में हमें यह सबक मिलता है कि गैर गैरों के साथ अदना मुशाबहत भी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद नहीं था जब इबादत के अंदर बंदगी और नेकी के काम में भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुशहत नहीं फरमाई तो दूसरे कामों में अगर मुसलमान उनके मुशावत इख्तियार करें तो ये कितनी बुरी बात हो सकती है अगर ये मुशावहत जानबूझ कर हो तो फिर तो ये जुर्म अजीम हैं और ये गुनाह कबीरा हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है मन तशब बहब कौमिन मिनहुम जो किसी कौम की मुशाबहत इख्तियार करे वो उसी कौम के अंदर दाखिल है अफसोस ये है कि आज मुसलमानों को इस हुक्म का और इस आकाशल वसलम का फरमान का ख्याल और पास ही नहीं रहा अपने तरीकेकार में वसा ख़त में लबास में पोशाक में उठने बैठने के अंदाज में खाने पीने के तरीक़े में जिंदगी के हर काम में हमने गैनों की नकाली गिरी कर ली यहूदियों की नकाली की और नसरानियों की नकाली की उनकी तरह के लिबास पहन रहे हैं उनकी तरह ज़िंदगी गुजार कर अपनी ज़िंदगी का निज़ाम उनकी ज़िंदगी की तरह बना रहे हैं उनकी तरह खाते हैं उनकी तरह बैठते हैं ज़िंदगी के हर काम में हमने उनकी नकाली कर ली बरहाल उस उस दिन हम उनके मुशावियात से बचते हुए हम हमें रोज़ा रखने वाला अमल करना है यानी हम उस दिन रोज़ा रखें और आशुरा के दिन हम ज़्यादा से ज़्यादा कुरान पाक की तिलावत करें तस्वीर पढ़ें अल्लाह के सना करें और अल्लाह के सामने रोएं और गड़गड़ाएँ और शहदय करबला के लिए दुआएं करें कि अल्लाह रबल उनके दर्जात को बुलंद फरमाएँ और फिर उनके नक्श कदम पर हमें चलने की तोफीक़ अदा फ़रमाएँ और इस दिन एक तो रोज़ा का अमल हुआ दूसरा एक और अमल जो ज़ीफ़ हदीस से साबित है मज़बूत हदीस नहीं है अल्लाह के रसूल सल्ला वसलम के रिसाद हैं कि जो शख्स आशूरा के दिन अपने घर वालों पर और उन लोगों पर जो उसके आयाल में है यानी जो उसके मातहत में हैं मसलन उसके बीवी बच्चे घर के मुलाजिम घर के नौकर चाकर उनको आम दिनों के मुकाबले में उमदा और अच्छा खाना खिलाए और खाने में वसात इख्तियार करे तो अल्लाह ताला उसकी रोज़ी में बरकरेंगे यह हदीस अगरचि सनत के एतबार से मजबूत और कवि नहीं है लेकिन अगर कोई शख्स उस पर परमल करे तो कोई मुक़ नहीं बल्कि अल्लाह की रहमत से उम्मीद है कि उस पर अमल जो करेगा इन शाला ज़रूर उसको फजीलत हासिल होगी कुरान करीम जहाँ हरमत वाले महीनों का जिक्र फरमाया है इस जगह पर एक अजीब जुमला ये भी रिसात फरमाया है कि फ़ला तजल फ़ीन अनफ सकुम यानी इन हरमत वाले महीनों में तुम अपनी जानों पर और अपने आप पर जुर्म न करो म न करने से मुराद ये है कि इन महीनों में गुनाहों से बचो बिदात और मुनकर से बचो चूँकि अल्लाह तो गैब हैं जानते थे कि इन हरमत वाले महीनों में लोग अपनी जानों पर जुल्म करेंगे और अपनी तरफ से इबादत के तरीके गढ़ कर उन पर अमल करेंगे और बिदात शुरू कर देंगे इसलिए फरमाएँ कि अपनी जानों पर म न करो जहाँ तक मसला है शीह हजरात का कि इस महीने में वो जो कुछ करते हैं ताज़िया निकालते हैं और अपने वो अपने मसलक के मुताबिक अपने मजहब के मुताबिक अमल करते हैं उनके नज़दीक वो कार स्वाब हैं उनके नज़दीक वो सवाब वाला काम है लेकिन बहुत से अहले सुन्नत हजरात भी ऐसी मजलिसों में और ताजियों में उन कामों में शरीक हो जाते हैं जो बिरक बिदात और मुनकर की तारीफ़ में आ जाते हैं अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाएँ क्राने करीब ने तो साफ हुक्म दिया कि इन महीनों में अपनी जानी पर जानों पर, पर म न करो बल्कि उन अवात को अल्लाह की इबादत में उसके ज़िक्र में उसके लिए रोज़ा रखने में उसकी तरफ रुजू करने में उससे दुआएं करने में सर्फ करो और उन फजलियात से अपने आप को बचाओ अल्लाह ताला अपने फ़जलक करम से इस महीने की हरमत और आशुरा की हरमत और आज़मत से फ़ायदा उठाने की हम सब को तोफ़ीदाह फ़रमाएँ और अपनी रजा के मुताबिक उस दिन गुजारने की तोफ़ी क़दा फ़रमाएँ आमीन सुम आमीन वसलम आलिकम वरह